खुसूसी इफ्तार नशरियात पंजो रमजान से गड अमांजो मेज़बान यासिर काजी अमांजी खिदमत में हाजिर है। मुझे पारण से कबर सलाम कबूल कदा तव जिते भी रहो पंजन से गड रहो खिलंदा मुरकंदा महकंदा बहकंदा टहकंदा चहकंदा रहो। मुझे तो वार बार थो दम दम दुआ करे कोसो लगे नवाब सजन के खुदा करे। जितने सुखन हैं उनमें यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। अल्लाह तबारक तआला मुंहिंजो तन भी दुरुस्त रखे मन भी दुरुस्त रखे ऐं हमेशा खुशियुनि जे पींघुनि में लुढ़ंदा रहो। असां रमज़ान मुबारक जो ज़िक्र कंदा आहियूं त रमज़ान मुबारक जे पुरनूर साहतुनि में जॾहिं असीं अवां सां मुखातिब थींदा आहियूं तक़रीबन 5:15 खां वठी या उन जे आसपास खां वठी अज़ान मग़रिब इफ़्तार जे वक़्त ताईं, त ही उहे साहतूं हूंदियूं आहिनि जिन जे लाइ चयो वेंदो आहे त रोज़ेदार जी दुआ क़बूल थींदी आहे। पर उन रोज़े जी तयारी खां अॻु में ज़ाहिर आहे त ज़माने जूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि। असांजे हिन सेट ते असांजे हिन फ्लोर ते मुख़्तलिफ़ शोबनि सां वाबस्ता उहे माण्हू जिन पंहिंजी ज़िंदगी जी हासिलात ॾिनी हूंदी आहे उन्हनि शोबनि खे उहे मौजूदु हूंदा आहिनि। उन्हनि सां उन्हनि जे शोबनि बाबति बि ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे। मेदत जा रंग बि विखिरजंदा आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु इफ़्तार जी तयारी जे सिलसिले में रदप जा छा पियो थिए इहो बि असीं अवांजे ख़िदमत में पेश कंदा आहियूं। अॼु न असीं अवां सां मुखातिबु आहियूं त ख़मीस जो ॾींहुं आहे, तव्हांजी असांजी 17 मुलाक़ात आहे। अॼु आहे 17 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी, मार्च महीने जी 28 तारीख़ 2024 ईस्वी जो साल, जॾहिं त असांजे पंहिंजे संबत कैलेंडर, बकरमी कैलेंडर, पंहिंजे मकानी कैलेंडर, असांजे ज़रई कैलेंडर, सिंधी कैलेंडर जे मुताबिक़ चेट महीने जी 17 तारीख़ आहे। 2080 बकरमी साल आहे जॾहिं असीं तव्हां सां मुखातिबु आहियूं। हीअ नशियात तव्हां ते पहुचाइण जे लाइ असां सहकार कयो आहे टैंग तलो कुकिंग ऑयल ठाहिण वारनि, टपाल मेज़बान ठाहिण वारनि, मुग़ल स्टील, ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट चांहि ठाहिण वारनि, फ़ाइज़ा ब्यूटी क्रीम ठाहिण वारनि, जेफिस बिल्डर्स, टेस्टी ब्रेड हॉक ट्यूब्यूलर बैटरी ठाहिण वारनि, हाला हैंडीक्राफ्ट्स, नूर मेमण हालाई, फॉर मी जिन जूं जेके प्रोडक्ट्स आहिनि उन्हनि सहकार कयो आहे, वाइटल चांहि मलका मसाला ठाहिण वारनि, क्विस आइसक्रीम शरबत ठाहिण वारनि, मोटरसाइकिल पार्ट्स ठाहिण वारी कंपनी TQR, कैज़न पेंट ठाहिण वारनि, शेफ प्राइड मसाला ठाहिण वारनि, नेल्सन पेंट ठाहिण वारनि, निज़वा इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ठाहिण वारनि, उन सां गॾो गॾु पांडा केमिकल्स, रूहअफ़ज़ा ठाहिण वारी कंपनी, मशरूबे मशक ठाहिण वारी कंपनी, हमदर्द वक्फ़ लेबॉरटरीज़ वक्फ़ पाकिस्तान ऐं यूनिक बैटरी ठाहिण वारनि असां सां सहकार कयो आहे। असां सां अॼोकी मजलिस में, अॼोकी सिलसिले तकल्लुम में, अॼोकी महफ़िल में जेके महिमान मौजूदु आहिनि उन्हनि सां तव्हांजो तारीफ़ कराईंदो। हलां ॿई शख़्सियतूं पंहिंजे पंहिंजे शोबे जूं मञियल शख़्सियतूं ऐं इन्हनि ॿिन्ही शख़्सियतुनि सां तव्हांजो मुखामिलो थींदो रहे थो। हिकिड़ी सां तमामु घणो, छाकाणि त हुनजो शोबे इंडस्ट्री सां तालुक़ु आहे, पर असांजो पहिरियों महिमान मां हमेशह फ़ख्रु महसूसु कंदो आहियां। उन जो तारीफ़ उन्हनि जी जेका बुनियादी सुञाणा, छाकाणि चवंदा आहिनि त जेकॾहिं को शाइर आहे त उहो पैदाइशी शाइर थींदो आहे, बुनियादी तौर ते शाइर, पर जेतोणीकि हाणे शाइरी उनजी सुञाणप घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी, पर ज़ाहिर त शाइर वंस अ पोइट इज़ ऑलवेज अ पोइट। जेको हिकिड़ो दफ़ो शाइर आहे, जेको बॉर्न पोइट आहे, त उहो हमेशह शाइर रहे थो। उन्हनि जी जेका एक्सपर्टीज़ जो शोबो आसार क़दीम आहे, क़दीम आसार आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी ज़िंदगी भर उनजी प्रैक्टिस बि कंदा रहिया ऐं पढ़ाईंदा रहिया शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी ख़ैरपुर में आर्कियोलॉजी जे प्रोफेसर जी हैसियत सां। ऐं टियों वॾो हवालो जेको मां सम्झां थो त जेकॾहिं मां ईअं चवां त ग़लति न हूंदुसि त शायदि आर्कियोलॉजी खां वॾो हवालो आहे, सो आहे सचल सां उन्हनि जो इश्क, सचल शनासी, सचल ते तहक़ीक़ ऐं सचल ते तहक़ीक़ जे हवाले सां हुननि पाण त पाण मल्हायो पर ॿियनि मुहक़िक़नि खे गॾु करणु ऐं उन्हनि खां कमु कराइण जो बि हुननि खे मौक़ो मिलियो, जॾहिं हू सचल चेयर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जा ख़ैरपुर जा डायरेक्टर बणिया। ऐं इन हैसियत सां हुननि सचल खे, सचल जे कलाम खे, उन जे फ़िक्र खे फैलायो ऐं मुख़्तलिफ़ मुहक़िक़नि खां इन ॾिस में कमु करायो। जी हा, मां जंहिं शख़्सियत जो ज़िक्र करे रहियो आहियां, इहे टई हवालो पाण में मिलाइबा त ख़ैरपुर जी ज़रख़ेज़ सरज़मीन ऐं ख़ैरपुर जो सचल जो पाड़ो यानी राणीपुर सां ताल्लुक़ असांजे हिन मोसिस महिमान जो असां सां गॾु मौजूदु आहिनि प्रोफेसर अल्ताफ़ असीम साहबु। हक़ मौजूदु, भली कार था चऊं तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में, कीअं आहियो तबियत, सिहत कीअं आहे तव्हांजी? अलहमदिल्ला ठीकु आहे। सचल साईं जो ज़िक्र थियो त ज़ाहिर आहे सरमस्ती वजद ऐं जेको असां चऊं था न हक़ मौजूदु। जी सुफ़ी जॾहिं बि हिक ॿिए जी आजियां कंदा आहिनि हक़ मौजूदु चई, त इन जो मतिलबु हक़ मौजूदु लामौजूद इलाह जो सिंधी जो तर्जुमो आहे, उहो ई आहे हर जाइ ते। ऐं जेकॾहिं उन जी मौजूदगी जो अहसासु न हुजे त पोइ उहो जेको साह जे रगुनि में वेझो आहे, त सूफ़ी त उन शइ जो भरपूर हर जाइ ते इक़रार करे था। अवां बि उहो इक़रार कयो, असां बि कयूं था। सो अव्हांजी महिरबानी, अव्हांजे प्रोग्राम में शरीक आहियूं।
वॾी महिरबानी तव्हांजी, असां कचहरी कंदासीं। असांजो ॿियो महिमान सिंध जो नामियारो अदाकार ऐं कॉमेडियन, कॉमेडी बि हुनजो भरपूर हवालो, पर संजीदा अदाकारी जे हवाले सां बि हू मां हमेशह चवंदो आहियां त जेके अंडर यूटिलाइज़्ड असांजा आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि मथां ई आर्टिस्ट आहे। मां सम्झा थो त उनखे 100% इस्तेमालु कोन्हे कयो वियो उनजे टैलेंट खे, पर सिंध जो उहो अलबेलो फ़नकार जंहिंखे तव्हां पसंदि कयो था, हर टोन में पसंदि कयो था, हर किरदार में पसंदि कयो था, हर अंदाज़ में पसंदि कयो था, मुख़्तलिफ़ टी वी चैनलनि खां वठी, यानी असांजो सफ़र तक़रीबन इहो 11 खनि साल अॻु शुरू थिए थो, ऐं उनखां पोइ स्ट्रगल जो दौरु, ऐं स्ट्रगल जे दौर खां पोइ मां नथो सम्झां सिंध जो कोई नामियारो चैनल हूंदो जिते हुननि परफॉर्म न कयो हूंदो, ऐं हाणे सोशल मीडिया रस्ते बि तव्हां जूं दिलियूं खटे थो। असां गॾु मौजूदु आहे सिंध जो, जीअं मूं नालो जीअं लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, सिंध जो अलबेलो आर्टिस्ट वाहिद रज़ा सुरियाणी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, केॾालनि साईं ख़ुशि आयो, त बि वेलकम था चऊं तव्हांखे। वाहिद, वॾी महिरबानी साईं, लख लाइक इहा हिन टी वी हुई, जी महिरबानी आहे नूर साहब जी, जंहिं कॉल कई अॼु तव्हां सां गॾु वेठा आहियूं, ऐं हक़ीक़त इहा त दिलि बि चवंदी आहे त मिलिजे त किथे मिलिजे, ऐं हीअ हिकु वाहिद इदारा अहिड़ा आहिनि जेके तव्हांखे बि सॾु था कनि, असांखे सॾु था कनि, त वरी पोइ सिकूं लही थियनि, भाकुर थी था वञनि, ऐं दीदार बि थी था वञनि। आहे त हिकिड़ी हीअ बि बिरादरी आहे न असांजी, बिल्कुलु बिल्कुलु, जीअं इंसान जी हिकिड़ी ज़ाती थिए थी बिरादरी, त हीअ बिरादरी आहे, ऐं उनखे मिलाइण जो जेको इहो सायो आहे उहो यकीनी तौर ते सुठो आहे। सो जीअं अल्ताफ़ साहब सां त अक्सर मुलाक़ात असांजी थींदी रहंदी आहे, पर वाहिद सां वॾे अरसे खां पोइ, ड्रिघे अरसे खां पोइ मुलाक़ात थी आहे, त मुंहिंजे लाइ ख़ुशीअ जो बाहि सां, उमीद त तव्हां सां कचहरी कंदासीं, ऐं नाज़रीन बि तव्हांखे ॾिसंदा ऐं तव्हांजूं ॻाल्हियूं ॿुधंदा त लुत्फ़ंदोज़ थींदा। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे त असांजे हिन महफ़िल में, असांजी हिन नशरियात में, जीअं मूं ज़िक्र कयो त अलाह साईं जी साराह ऐं नबी सगोरे सलाहु वसलम जी मिदत जा रंग बि शामिलु थींदा आहिनि, उन सुगंध सां हीअ महफ़िल अञा वधीक पुर रौनक थी वेंदी आहे। असां सां गॾु मदह ख़ान जी हैसियत सां मौजूदु आहे मोहतरमा अक़ीदत नाज़ साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। कैसी आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। थोड़ी देर में हम हमद बारी ताला आपसे सुनेंगे, आपको ज़हमत देंगे, पर नाज़रीन उनखां अॻु में जो असां हमद ॿुधूं, असां तव्हांखे वठी था हलूं, तव्हांखे ख़बर आहे त असांजे हिन नशियात जो ख़ासि हिसो असांजो रधिणो, पंहिंजो रधिणो, पंहिंजो बोची खानो, पंहिंजा माण्हू, पंहिंजो पंहिंजो चैनल, असांजो टाइम न्यूज़ चैनल, पंहिंजी ॿोली, पंहिंजी तारीख़, पंहिंजी तहज़ीब, पंहिंजो तमदुन, पंहिंजी शाइरी, पंहिंजो अदब, ऐं उन में तव्हांजी ख़िदमत में पेश थींदड़ हीअ तव्हांजी पंहिंजी स्क्रीन, पंहिंजो रमज़ान ट्रांसमिशन, उन में पंहिंजो रधिणो, तलो जो रधिणो, ऐं तलो जे रधिणे जी धयाणी आहे शेफ शाज़िया नूर, जेका रोज़ानो दिलचस्प ऐं लज़ीज़ खाधा, दिलचस्प इन करे जो ॾाढियूं क्विक रेसिपीज़ बि हूंदियूं आहिनि, जल्दी जल्दी तयारु थींदड़ हूंदियूं आहिनि, जेतोणीकि मूंखे वक़्तु कोन थो मिले, न त कॾहिं कॾहिं सोचींदो आहियां त मां बि ट्राए कयां, ऐं मां इहो कसम खणी सघां त चांहि खां अलावा बि मूंखे कुझु ठाहिणु अचे थो, त इहो असां रमज़ान खां पोइ ज़रूरु ट्राए कंदासीं। कल्ह असां हुनजी ॾाढी डिलिशियस चिकन निहारी खाधीसीं ऐं ॾाढो लुत्फ़ंदोज़ थियासीं। अॼु ॾिसूं था त शेफ शाज़िया नूर असांजे महिमाननि खे छा थी खाराए ऐं तव्हांखे छा थी सेखारे अॼु इफ़्तार में छा तयारु कंदी। अस्सलाम वालेकुम शेफ शाज़िया नूर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या बना रही हैं आज? ये मैं चाहूंगा सूजी का हलवा, और सूजी का हलवा और पराठे। क्या बात है, दादी की याद, दादी की याद दिला दी। सूजी के हलवे को हम सिंधी में पता है क्या कहते हैं? हम कहते हैं सीरो, 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 जी हां, एस ई आर ओ, एस एस आई आर ओ, एस आई एस डबल ई आर ओ या एस आई आर ओ, सीरो, सीरो, ठीक है। हाँ जी, सीरो मानी, चलिए अब मैं नाज़रीन को सीरो, क्योंकि पूरी का तसव्वुर हमारे यहाँ नहीं होता, सीरो के साथ मानी रोटी खाई जाती है, तो सीरो उस पर मजा आएगा। उस पर मुहावरे भी हैं, मिसाल के तौर पर जी भाग डे भीड़ो तो निकले दाल में सीरो, यानी अगर अगर आपकी लक लग जाती है तो जो आप दाल खा रहे हैं वो हलवे में तब्दील हो जाती है, क्योंकि हलवा पहले बड़ी बड़ा खाना समझा जाता था, रिच रिच एक फूड समझा जाता था, एक मुगलाई दौर का। शबे बरात भी ऐसा सीरे मानिया, सीरे मानिया, जी हां जी हां, शबे बरात पर खास डिश हुआ करती थी ये हलवे की, तो हलवे को सिंधी घरों में हलवा पकता, सिंधी में सीरो बोलते हैं, तो कभी कभार अगर आप रेसिपी बताने के दौरान सीरो बोलेंगी तो लोग ऑन करेंगे आपको ज्यादा। मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, मकबूल होने के टिप्स दे रहा हूँ, इसके पैसे अलग से होंगे। थैंक यू। ये असांजो भाग भीड़ो ॾिनो आहे, त मां चाहूंगा की आप मुखातिब हूं अपने नाज़रीन से, बताएं कि ये सीरो कैसे बना रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेफ शाज़िया नूर। सबसे पहले तो मैं आप सबको सत्र रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। जो टाइम न्यूज़ देखने वालों को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक हो। अच्छा, आज भी हम झटपट सी रेसिपी बना रहे हैं, जैसे हमेशा बनाते हैं, रोज़ बनाती हूँ, आप रोज़ देखते होंगे मुझे। अच्छा, आज हम सूजी का हलवा बना रहे हैं, जिसको इन्होंने मुझे बताया सीरो बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि उसको मैं नाज़रीन से मुखातिब करूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। ठीक है, इसमें बड़े ईजी इन्ग्रीडियंट्स हैं जो घरों में मौजूद होते हैं। सिंपल, आपने सूजी लेनी है, ये मैंने 1 किलो सूजी ली है। अच्छा, इसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आपको मीठा पसंद है, वैसे 1 किलो सूजी के हिसाब से आप 3 कप इसमें चीनी डालेंगे अगर आपको अच्छा मीठा चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 कप्स लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा, मुझे तो ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। आई होप कि आप लोग भी ज़्यादा कम मीठा खाते होंगे, क्योंकि सेहत के लिए चीनी जो है ना, वो कहते हैं कम ही रखनी चाहिए सेहत अगर अच्छी रखनी है। अच्छा, इसमें गार्निशिंग जो ऐड होगी, उसमें हमने रखे हैं ये कोकोनट के। आप इसको कोकोनट को ज़रा सा स्लाइटली इसकी जूलियन कर लें। यहाँ पे मैंने एलमंड्स रखे हैं, एलमंड्स भी आप इसमें गार्निशिंग में यूज़ होंगे, जो कि आप, मैं इसको चॉप कर रही थी। ये हमारे पास इलायची है, इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और इलायची साबुत भी आप इसके दाने ऐड कर सकते हैं जब आप शीरा बनाएंगे इसका। यहाँ पे हमारे पास किशमिश है 1 टेबल स्पून, ये भी आप इसमें गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके शीरे में हमने सिर्फ ये इलायची डालनी है और चीनी डालनी है, उसको मिक्स करना है। अच्छा, इसके अलावा हम बना रहे हैं पराठे मज़े के। अच्छा, ये सब किस में बनेंगे आपको पता है? पराठे की भी रेसिपी बहुत ईजी है, पहले भी बना चुकी हूँ, वैसे 2 दिन पहले बनाई थी मैंने। इसमें चीनी ऐड करेंगे आप 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून सूजी ऐड करेंगे, ज़रा इसका जो है ना क्रंची क्रंची सा फ्लेवर आएगा, और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये सब मिक्स करके आप थोड़े से कुनकुने पानी से इसको गूंद लेंगे, और ये सब हम बनाएंगे नन अदर देन, अच्छा, आज हम तलो बनास्पति में बनाएंगे, क्योंकि हलवा भी आपको पता है जब तक घी में ना बने तो उसका मज़ा कैसे आएगा। तो अम्मा तलो में पचाए असां के सेहतमंद बनाए, ये इसका स्लोगन है। ये आप लेकर आएँ, आपके खानों में जायका आएगा, और आपकी बच्चों और बड़ों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको पता है कि पराठे को सिंधी में क्या बोलते हैं? क्या नहीं पता? उपराटो। क्या? उपराटो। उपराटो। उपराटो, यानी पे की जगह पर अलिफ और फे लगा दें, उपराटो। उपराटो। तो ये सीरो उपराटो आप बना रही हैं। सही। इस शो में मैं ना सिंधी के वर्ड्स खूब सीख जाए। और ये आपको, अगर आप दोबारा कोई आगे भी प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे हमारे साथ, तो ये मैंने बताया कि ये आपको मैं ये टिप्स दे रहा हूँ, मकबूल होने की टिप्स दे रहा हूँ कि लोग आपको ज़्यादा जो है उसको प्रोग्राम को ऑन करेंगे। जी जी। अच्छा, थैंक यू सो मच शाज़ी साहब। अब्दुल साहब, रद पचार शो का है तव्हांखे अक्सर छा तो हॉस्टल लाइफ रही तो मेस मैनेजर त रहे पचाइण त तव्हां हिन भाई तव्हां खाइण जी आदत कॉमेडी शुरू थी कॉमेडी शुरू हा कीअं भाई तव्हां पचाइजो असल पचाइण ॾिसो तव्हां आसान करे छॾियो आहे। हाणे हिते किचन लॻो पियो आहे, टीवी ॾिस, प्रोग्राम हिकिड़ो ॾिस, कहिड़ी बि शइ सां ठाहे सघो, यूट्यूब ॾिसो, जेका बि शइ यूट्यूब ते लिखो त पचाए था सघूं कुझु बि। बाक़ी पोइ हर कंहिंजे हथ जी वरी लज़त पंहिंजी हूंदी आहे, पाण ॾिसजे त कंहिंजे हथ में कहिड़ी शइ आहे, लज़त आहे। हिकिड़ी हूंदी आहे न महारत, हिकिड़ो हूंदी आहे सिर ते अची वई त भई करे वरितोसि, पर हिकिड़ी जीअं महारत यार मूंखे शौक़ु आहे पचाइण जो, उहो थो पुछां। फाथाते छो जो मां जॾहिं पढ़ंदो हुउमि स्काउट में हूंदुमि, स्काउट में ख़ासि करे इहे शयूं सेखारींदा त बाबा जॾहिं बि निकिरो था तव्हां, तव्हां सां जेकॾहिं फैमिली गॾु नाहे, तव्हां किथे फासी था पओ त तव्हां पंहिंजे वेहण जो बंदोबस्तु कीअं कंदो, तव्हां पंहिंजे सुम्हण जो बंदोबस्तु कीअं कंदो, तव्हां पंहिंजे खाइण पीअण जो बंदोबस्तु कीअं कंदो। इन हवाले सां त मां स्काउट में बि रहियो आहियां, त उहे उन हवाले सां उहो जोश जज़्बा असां वटि महिमाननि में कॾहिं कॾहिं कोई अहिड़ो हूंदो आहे जेको चवंदो आहे हा मां वाकई ॾाढो पचाइण शौक़ीन आहे, त उहो शेफ शाज़िया थोरी इनसिक्योर फील कंदी आहे, छो त जॾहिं इहो सर्व थींदो आहे त उनखां पोइ असां हुनखे चवंदा मार्कूं ॾियो त उहो कीअं आहिनि। हाणे तव्हां ॿई जेकॾहिं नाबलद आहियो उनखां त कोई मसिलो कोन्हे, मतिलबु उहो रिलेक्स थी पचाईंदी, हाणे जहिड़ो पचे त हुननि खाइणो पवंदो। बहरहाल इहे कचहरी टाकड़ा जारी रहंदा नाज़रीन। हीउ प्रोग्राम तव्हां ते पहुचाइण जे लाइ असां सहकार कयो आहे यूनिक बैटरीज़ ठाहिण वारनि, जंहिंजो पैगाम आहे त यूनिक बैटरीज़ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड जे मुताबिक़ तयारु कयल बैटरीज़ अव्हांजे घर ऐं गाॾीअ में बहितरीन पावर सप्लाई जे लाइ यूनिक बैटरीज़ हिकु ई बहितरीन ऑप्शन। इंतिहाई पाएदार ड्रिघे अरसे ताईं हलंदड़ यूनिक बैटरी, हर घर जी ज़रूरत यूनिक ऐं अव्हां
हमेशा जो साथ। वाहिद छा पियो थिए अॼुकल्ह, छा पिया कयो, कहिड़ा प्रोग्राम्स पिया हलनि, कहिड़ा प्रोजेक्ट्स पिया हलनि? प्रोग्राम अलाह जी महिरबानी आहे त चैनल सिंधी चैनल इलाही आहिनि, उन ते असां बड़ी चुरप हूंदी हूंदी आहे ऐं उहो नज़र बि ईंदी आहे, चुरप नज़र बि ईंदी आहे तव्हां। हा बिल्कुलु, ऐं वरी सोशल मीडिया ते पंहिंजो वरी जेको चैनल जॾहिं टाइम मिलंदो आहे त अक्सर में अॼुकल्ह हर माण्हू बिज़ी आहे, अलाए मां एतिरो बिज़ी थी वियो आहियां कमकार जे हवाले सां। बिल्कुलु आहे, पंहिंजा जेके ज़ाती ज़िंदगी जा जेके कमकार हूंदा आहिनि उहे बि इलाही आहिनि, त जेको टीवी ते कमकार कयूं था उनखां पोइ कॾहिं कॾहिं ॿ कॾहिं टे ईअं वीडियो पंहिंजे इन ते सोशल मीडिया ते रखूं था, न आहे त लाइफ इलाही बिज़ी। तव्हांजो छा मश्किरी आहे अॼुकल्ह ऑन एयर आहे मुंहिंजे ख़्याल, ऐं उहो हफ़्ते में हिकिड़ो दफ़ो छा मश्किरी, हफ़्ते में ॿ प्रोग्राम हलंदा आहिनि। अच्छा, ऐं ॿियो आहे कॉमेडी जंक्शन, उहो बि हले पियो, ऐं ॿिया वरी अॻु में थियल आहिनि प्रोग्राम, उहो बि हिकु ॿ शायदि उहो बि चैनल हुजे। कीअं कीअं तजुर्बो तव्हांजो, छा मश्किरी आहे तजुर्बो कीअं आहे? साईं हिते तमामु सुठो प्रोग्राम आहे, बहितरीन प्रोग्राम, ऐं उनजे हवाले सां काफ़ी जेके माण्हू ॾिसंदा आहिनि, असुल में छा जो जेके टॉक शो आहिनि उहे आम मतिलबु माण्हू जेके ड्रामा ॾिसण वारा, कुकवाड़ी बंदूक ॾिसण वारा, उन्हनि खे इहा शइ पसंदि न ईंदी आहे। तव्हां जहिड़ा दोस्त ऐं ॿिया जेके सोभर क़िस्म जा जेके टॉक शो में जेके जुमिलनि जा ख़ासि करे तनक़ीद भरा इसरा जेके उहे लाइक कंदा आहिनि, उहे ॾिसंदा आहिनि, ऐं सोभर माण्हू असांखे जेको आहे इन मामले में इलाही एप्रिशिएट कंदा आहिनि। तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो थो हले ऐं वाक़ई ॾाढो सुठो, मूंखे बि ॾिसणु इतफ़ाक़ु थियो आहे। मूं सोचियो तव्हां सां मुलाक़ात थिए पुछंदो त इन जी छा बाक़ाइदा स्क्रिप्ट हूंदी आहे या एक्सटेम्पोर कंदा आहियो? साईं हमेशह असां जॾहिं बि कयो आहे न त इन टाइप जा प्रोग्राम त तमामु घणा कया आहिनि, त हीअ वाहिद प्रोग्राम आहे जो हिन में स्क्रिप्ट आहे, हिकु अधु जुमिला पंहिंजा ज़रूरु हूंदा आहिनि पर स्क्रिप्ट आहे। अछा, केरु थो लिखे? असलम थो लिखे, असलम पाण थो लिखे। हा असलम पाण थो लिखे, असलम चांडियो हुन में कंदो आहे, मेज़बान जो किरदारु कंदो आहे, ऐं तव्हां सां ॿियो बि करेक्टर, मेन करेक्टर तव्हांजो हूंदो आहे। हा, ऐं शेरदिलगाहो, शेरदिलगाहो, हा उहो बि हूंदो आहे। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जेकी जेको राइटर हूंदो आहे पहिरियों त जेकॾहिं उहो बि नओं आहे, असां गॾु कमु न कयो आहे त हिकिड़ी ज़हनी हमांगी नाहे हूंदी, त हू पंहिंजे हिसाब सां लिखंदो, मां पंहिंजे हिसाब सां कंदुमि, त कॾहिं कॾहिं जुमिला मूंखे अजीब लॻंदा आहिनि, कॾहिं उन खे मुंहिंजी अदाकारी यार मां हिन हिसाब सां लिखियो न कयो। हाणे जेको असां पाण में कमु कयो आहे, अॻ में बि कमु कयो आहे, त असां हिकु ॿिए जी हुनखे सम्झूं था, साइकी खे सम्झूं था, हाणे उहो करेक्टर लिखे ई मुंहिंजे लाइ थो त हीउ वाहिद कंदो, मां उन हिसाब सां कयो, उहो बि ॾाढो ख़ुशि थो थिए, मां बि ॾाढो ख़ुशि थो थियां त यार ज़बरदस्तु लिखियो अथई, त माण्हुनि खे ॾिसण वारनि खे बि इन जे लाइ ॾाढो मज़ो थो अचे। असलम पाण बि ॾाढो सुठो कॉमेडियन आहे, ज़बरदस्त। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थी सघे थो त कुर्सी चेंज कयो, तव्हां मेज़बान थियो ऐं हुनखां को करेक्टर करायो, त इहो बि थी सघे थो। उहो असां अॻु में ईअं कंदा रहिया आहियूं, पर हे ई थोरो लड़ाए थो। अच्छा, हूअं तव्हांजो साथ शेरदिल बि सुठो थो निभाए। इन में तव्हांजो जेके रिसेंट आहे उन में तव्हांजो कहिड़ो पंहिंजो पसंदि जो किरदारु कहिड़ो आहे, जेके इन में तव्हां छा मुश्किल आहे? सभु जेके बि मां कया आहिनि सभिनी में, असल में चयो वेंदो आहे त बाबा जेको माण्हुनि खे करेक्टर पसंदि ईंदो त मूंखे बि उहो, ऐं मूंखे उहो पसंदि अचो, माण्हुनि खे उहो पसंदि आहे त मूंखे बि उहो, ख़ासि करे जीअं तव्हां सां गॾु ॻाल्हाए पियो त नूरो जो करेक्टर मां जॾहिं कयो ड्रामो, मूंखे सुञाण ॾिनी एक्टर जेको आहे, हीअ हिकु करेक्टर कयो नूरे जो, टिपिकल हिकिड़ो टोन आहे अंदरूनी सिंध, माना उत्तर सिंध जो, उतां जा जेके बलोच आहिनि, जेके घर में बलोचकी ऐं बाक़ी सिंधियुनि सां सिंधी ॻाल्हि, मां बि बलोचां, पर असां वरी घर में सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं, जेकी बि असांजी मतिलबु सुरणी क़ौम आहे बलोच, पर सभु सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं, त इन लाइ असां मूंखे पाण खे बलोची ईंदी न आहे, पर इनखे बलोचन पसंदि कयो हूंदो, पसंदि कयो हूंदो। अल्ताफ साहिबु, ॿ टे ॾींहं पहिरीं असां सचल साईं जे उर्स मुबारक जे मौक़े ते असां इंडोर्स बि कयोसीं, ज़िक्र बि कयोसीं, ऐं कुझु असां सचल जे कलाम खे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयोसीं। तव्हां हुजो आहे, असांखे तव्हांजी ख़बर हुई त तव्हां अदबी कॉन्फ्रेंस जे लाइ हर साल हुते हूंदा आहियो, हिन साल बि तव्हां हुते हुयो। हा बिल्कुलु, ऐं इहा स्टेज हुजे या प्रोफेसर डॉक्टर तामंद हामी साहिब जी स्टेज हुजे, तव्हां कॾहिं बि ग़ैर हाज़िरी विरले लॻंदी आहे तव्हांजी। हा विरले, सचल जो जेको फ़लसफ़ो आहे, पैगाम आहे, शुरू तां ई था कयूं पिया, आहे रिलेवेंट, हिन दौर सां रिलेवेंट आहे या एब्सोल्यूट थी वियो आहे ऐं आउटडेटेड थी वियो आहे?
हाँ रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ो है ना उन में मुझे थीम है भी तकरीबन यो ही हो अच्छा जो तो नहीं खबर ना है तो ने बस अच्छा भाई मां पंज हन ताजो जो का प्रेजेंटेशन है उन में मां ऑडियंस के अदीबन के शायरन के सबनी के या शे रियलाइज कराने की कोशिश की पर बल्कि मां यो फ्लोट कयो एकड़ो क्वेश्चन तो भी सचल साईं पंजे पोया 936,626 वो है जो सचल साई जो दरिया बुर्द कराया या चीन भाई मू मत गुमराह थे उन हटी कर फकीर पान वो सांढ़ हाँ वो के तमगा हुसन कारकर्दगी तो सचल को लिखो को एवॉर्ड या को इक्राम न लिखी उनमें जो सही पे गाली है हाँ अवा जो ना दौर से सचल साई जो दौर लगभग अड़ो ही दौर हो जड़ो हाँ जी हाँ अस हलूँ था जंगो जदल अफर सचल पां 90 साल की जिंदगी में घट में घट 64 जंगियों रात सिंध में डिठा या बुधा हाँ उ कैफियत तसो कलोड़ा दौर में मजहबी इंतहा पसंदी के करे सिंध एक बो रूप अख्तियार कर वही उन वरी टालपुर कलोड़न की जंग वरी अरगोन तुरखान या उन अग में वरी जो अस इतने मुगलिया जो दबदबो हो ये सब उन पस मंजर हो शायरी जो वरी इतने जैसे पौतास नादर शाह अमन शाह अब्दाली शाह शुजा ये काहू बाहर यो सचल तो पे दौर जो तर्जुमान अकास हो ना तो वो गाल पो करे जैसे वक्त ना सचल वरी वाक तो चवे तो वक्त इहा थी वेल दुई दूर करण जी हिंदू मोमन सा मिली वक्त इहा थी वेल दुई दूर करण जी कड मजहब मनो साजुर साण सवेल हिंदू मोमन सा मिली मोहब्बत जा कर मेल मता थे वेल ओलस जाने यो इनज करे हाने ता दसो ना पान जे दौर में गुजरूं था भई सचल फरंगी के डठो तो सचल जो ये मीर मलहा घुमन था ये तबाही करे हले वेदा को सचल जो आवाज न पे बुधे अज जे दौर में मजहबन मुल्क में मानू मुझाया इन बेत के करे मानू अजीब कैफियत में मुब्तला है तो शायद सचल जो दीन धर्म में सख्त मुखालिफ हो मजहबी जो कट्टर पाबंद हाँ सचल ये को सचल मजहबन मुल्क में एकड़े मजहब न मजहबन मुल्क में मानू मुझाया उन शी जी कैफियत बयान कई ना मजहबन मुल्क में मानू मुझाया शेखी पीरी बुजुर्गी बेहद बुलाया कि निमादो निवड़ी पढ़न कि मुझे मंदिर वसाया उड़ो कि ना अकुल वा इश्क हाँ यो बेत पाँ जाए दया पर सचल जी का अना इन गाल करने जी कई है ना सचल जो तो बुजुर्ग शेख मशाक यारो नाम मखदूम थे मां दौर पाँ सचल दौर के कंपेयर कद तो बुजुर्ग शेख मशाक यारो नाम मखदूम थे नकी ठा ठगी ठाए मोल में पीर बणियासे सचल बाजों इश्कल है जी को हुनर न सिख्यास ताने वो सिर्फ मजहबन मानों के मुल्क में न मुझाया पर शीखी शेखी पीरी बुजुर्गी मौलमी या इहा जेका कुछ जाहिरी जो को देख वे को ना इन्हीं ते भी सचल के इलाही वड़ी तशवीश है तो मैं हाँ सचल कॉन्फ्रेंस में यह शे फ्लोट कई तो सचल साई के दुनिया में गुजारे 200-300 साल थे भाई 50 साल ताई तो घट में घट सचल के इन सहन जो मां साखी आया छो इंदो रहो रेगुलरली मां सचल के छाव में वेठो सचल साई जो गालियों करे वो जो शुभ तहां को तलब पो करे अज अस उन स्टेज बीठा आयो 150-100 साल में सचल के पैगाम की जो तबलीग थी है अस उन केतरो अमल किया सचल जो वारे वारे अस वरजाए वरजाए जो अस गाल करे वो भाई अस अदीब शायर आलिम फनकार भाई फनकार की भी पोजिशन यहाँ है मैं खुलम खुला स्टेज चो तो भाई 50 साल का गुंड खोल दीदार वेखा फनकार यो ही तो गाय नंगड़ा निमाण भाई सचल 9 लख कलाम पे छे वो यार तरह रसाले के तो खोलो ना मेहरबानी कर नयी शूं आयो सचल जो फिक्र इलाही वो तक तो ये खबर है ना अना होशियार तली थियम जैसे काजी मकसूद गुल साहब का अस तर्जुमो कराया ना उर्दू में सचल साई के फारसी मसनविन जो इश्क समंदर मोस्ट रीडिंग बुक आ सचल चेयर जो हाँ उतने शूँ खुली आयो तो फारसी कलाम एडो वो जखीरों साई छोजो सचल शम्स तबरेजी अतार निशापुरी रूमी इन सजी पस मंजर में जो ना उन कलाम फलसफो आए वो कलाम का पैगाम आ
थ्योरी आ पूरो फलसफो अफसोस यो आ त असा सचल साईं जो अञा स्टैंडर्ड टेक्स्ट तैयार करे सके आ मयारी रसालो मां त हाणे फोरम ते यो भी चयो त काश खबर ना तो छो सचल के को अर्नेस्ट ट्रंप भी न मिलियो को एच टी सोरले भी न मिलियो सचल के को गुरबख्शाड़े भी न मिलियो अफसोस वाके सवाल के ज़हन में जो तो मजहबन में जी हवाले सा जी ता है तो मजहबन मानू मुझाया इन के हवाले सा मुला मौलवी पांजी फतवा दिंदा फिरका वारियत भी अस मुसलमान में भी इलाही आ जे मजहब जी दुनिया जो ऐसो तो उन्हीं में अलग केतरा मजहब है हर मजहब से जो सो हर मू हक है तो उन रिसर्च कर भले और सही फैसलो करें हाँ ऐसो अस अलहमदुल्ला शुक्र अलहमदुल्ला अस मुसलमान आये हाँ अस मुसलमान तरह जो मुसलमान के पुट हाँ मुसलमान घर में पैदा थे मुसलमान मुख्य मतलब एतो अबूर हासिल को मजहब के बारे में हर को पाँच फील्ड में मस्त लगो पा को मू है जो मजहब के जैसे ध्यान है मैं यो चवस तो असोड़ो समझो कि वो उलमा हो उन पुछा कई मां सर मां रामायण पढ़ी सकंद छो तू पढ़ने न मां न पढ़ंदम पर मां इन में सवाल पैदा तो थे मैं तक कें हिसाब से करे पुछा कर मां तुझे तहां के या गाल पुछा कि तहां मुखे मना कई तो हिंदू जे पांजे बारन के मना कंदा तो कुरान न पढ़ो तहां असो रामायण न पढ़ तो इन के हवाले से हर मानू रिसर्च करे सही फैसलो करे हर कें अल्लाह से दिमाग न हर मजहब के रिसर्च करे मजहब एडा इन जो रिसर्च कंदे उम्र गरीदी फैसलो को कर सकंदो तो आम मानू उन्हें जो सवाल है एकड़ो मां वो ही वर्जाया पियो तो इन बारे में तवा छा चवंदो सब असा तो सूफी फिक्र जा फॉलोअर्स आयो ना टाइम न्यूज़ ता नशर थिंदड़ लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन इफ्तार के वक्त के वेझा वेझा पान थींदा पे ये नशा तहत पहुँचाने के लिए असर सहकार किया टैंग ठाण वार जिनो पैगाम है टैंग बढ़ाए बेहतर मुस्तबिल रोजानो तलो कुकिंग ऑयल ठाण वारा जिनो पैगाम है तलो ठहल है वाइटमिन ए डी के गजाइत से भरपूर वह तेजे बार वन नंढन के पोड़न के पकन के सभी के सेहत बख्श गिजा फराहम करे तो टपाल मेज़बान सिंध जो शान टपाल मेज़बान मुगल स्टील घर नंढो वो नाहन थो घर महफूज थो ब्रुकबॉन्ड सुप्रीम डस्ट चाय ब्रुकबॉन्ड सुप्रीम हमेशा का नालो है एतमाद जो भरोसे जो फायदा ब्यूटी क्रीम जो पैगाम है तो सुणो पैं पान के जी एफ एस बिल्डर्स हाँ थी ईद का पे ईद जी एफ एस से गुड टेस्टी ब्रेड ठाण वा हॉक टेबुलर बैटरी ठाण वा जिनो पैगाम है तो जो हलंदी रहे अनलिमिटेड हाल हैंडीक्राफ्ट्स नूर मेमन हालई जिनो नहवा बोस्की है जिनकी पूरी सिंध में मशहूर है हर दिल की पसंद फॉर्मी प्रोडक्ट्स ठाण वा जिनो पैगाम है दिस इज़ फॉर्मी हि मुझे लाए आहे बाकी सबुत आहे बेन जे लाए वाइटल टी और मलका मसाला ठाण वा कोई आइसक्रीम सिरप शरबत ठाण वा जिनो पैगाम है तो असूँ साओ शरबत ठाईंदड़ पाकिस्तान की नंबर वन कंपनी मोटरसाइकिल पार्ट्स ठाण वाली कंपनी टी क्यू आर केजन पेन ठाण वा जिनो पैगाम है वर्ल्ड ऑफ कलर ब्रॉट टू होम बाय नियो शेफ प्राइड मसाला ठाण वा नेल्सन पेंट ठाण वा जिनो पैगाम है रंग जिंदगी जो निज़वा इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ठाण वा पांडा केमिकल्स ठाण वा रूह अफ़्ज़ा ठाण वाली कंपनी मशरूब मशिक रूह अफ़्ज़ा ठाण वाली कंपनी हमदर्द लेबॉरेटरीज़ वक्फ़ पाकिस्तान और यूनिक बैटरीज ठाण वा जिनो पैगाम है हमेशा जो साथ साई मुझा असा गुड मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर अल्ताफ असीम साहब और वाहिद रज़ा सोरियाणी जिनसा कचहरी जारी है एकड़ी जाए ते न्यूज़ ब्रेक का पैर गाल कटी हुई अल्ताफ साहब जी अल्ताफ साहब की गुजारिश कर उतना ही गाल अगत बधाए थे जी कचहरी उतना ही शुरू थे रिजवाहिद साहब यह गाल कही तो अस आया बया मजहबी किताब पढ़ी सकूँ था बेन जै ना पढ़ी सकूँ मुख्तसरन इन शे जो उपटार ये है तो अल्लाह पाक पांजो पान के इंट्रोड्यूस किया रबुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रबुल आलमीन नॉट रबुल मुस्लिमीन असांजी वरी ऑब्लिगेशन ये है तो दुनिया में अल्लाह पाक 124,000 पैगंबर मोकिलिया है कंहिंखे लठ कुआड़ी या को डाटरो ॾेई न मोकिलियईं पर हर हिकिड़ो किताब ॾेई मोकिलियईं हिकिड़ो सहीफ़ो ॾेई मोकिलियईं किताब जो ॾेई मोकिलियईं त वरी असांखे हुकुम इहो आहे त आमंत बिल्लाह व मलाइकती व कुतबी व रुसली वल योम आख़िर वल क़दर ख़ैर ई शर ई मिन अल्लाह ताला वल बस बादल मौत असांजो ईमान मुकमली तॾहिं थींदो जॾहिं असां
गुजरियल पैगंबरन से गुजरियल किताबन से योमल हशर से जिस तुम यकीन ना कि तेस तुम ईमान जो वो मुकमल ना ये असि ऑब्लिगेटरी असा फरायज़ हैं अस मजहबी भी या वो भी इंसान दोस्ती भी यहाँ ही कें भी मजहब कें भी किताब बुराई तो ना है ना बुधाई अखलाकियात यही है तो ते कर वो को भी इन में को हर्ज को यो तो सजो इल्म ही आ इल्म जो वो रोशनी है मानों की जिंदगी में वो गौतम बुद्ध जो चवण वर्ल्ड ही डार्कनेस आ या इनलाइटनमेंट जो है वह हर मानू पान से गड खाई थे उन मर्जी है तो वो कड़े पास तो वे हाँ माशाल्लाह स्मार्ट आयो टॉल आयो कड़े कड़े ये लगन कें फिल्म जो हीरो होजन घुर्ज यूटिलाइज ना ही किया उन तौर से शौक रो पर जितर तीन असा फिल्मू दिसंदासीं न वक्त में शौक हों कें अदाकार के दिसूं इनसा मिलूं यो शौक हों शौक तो असो तमाम पुराना है यो वरी पो भी शुक्र अलहमदुल्ला यो आ जो तवां जड़ी शख्सियतन सा असा गड बैठा काफ़ी जैसे सीनियर के दिसंदा टीवी ते उन सा कम भी किया यो भी ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ हकीकत बुधा सर तो मुलाकात ही के सीनियर से को जैसे इतने पीटीवी से कम करने आयम शुरुआत में उतने मिले तो वो सीनियर के सामने दिसूँ पा तो वो जरूरत ही न पी थे तो उनके चौं अच्छा पैरडीज भी डाडी क्यों वाहिद रजा शायद तेम में ना होके परूड़ प्रोग्राम याद होंद असान कसौटी वाले अंदाज से माँ ही उनके डायरेक्ट कस मेज़बान माँ हूँ तो इनकी टीम अलीगुल मिला सुराब सुमर की टीम उन पैरडी कई हुई अच्छा। उन ही सेट डिजाइन से जैमें सुराब सुमर यासिर काजी थे हैरत थी त वाहिद रजा हालांकि माइट भी आए सही डॉक्टर नवाज अली शौक साहब जो डॉक्टर नवाज अली शौक साहब जो करेक्टर वाहिद रजा टाइम मुझे क्लीन शेव थे काफ़ी टाइम वो क्लीन शेव रहे पा शौक साहब दिठो तो कावड़ कह खड़को न पटे पर वो खुश थोग्राम काफ़ी मूँ असल में ऐसा जानी भी फिरोडी क्यों था काफ़ी मूँ अस नाला ना खूँ घिड़ी भी पाया शख्सियत की असर फिरोडी कई से जैसे कर मुझे प्लाट से कब्जो थो अच्छा हाँ प्लाट से कब्जो प्लाट से कब्जो थे मस मस जोर डेसा छदे समझो तो बा पेरोडी के शख्सियत जी कयो बुर्दबार मानू जी कयो बाकी इ तो ये तो दुनिया के वन मानू की पैरोडी तमाम कदें कदें तो वाकई पान के भी लगन यार ये कुछ जरी जरूरत को ज्यादा ही थी उन जो रिएक्शन ये नहीं जी तुम बुझा प्लाट अमिताभ बच्चन कड़े मूँ पैरोडी कह गेटअप की उन्होंने या अंदाज की शाहरुख की केतरा कह पर उन्होंने असल में जैसे जहनी तौर मुतमिन हों पान को मू न तो उन्हीं के मजो इन माना मैं अड़ो आया को पर मजाक था कन पर एकड़ो अग में ही जहनी तौर पा सेटिस्फाई न हो पांजो पान को ही मुतमिन न हो उन्हीं अस पिरोड़ी कहे तो उन्हीं में एहसास कमतरी में मिलो तो वे बाकी मैं अड़ो आया को मुझे पर्द बुगाड़ था कुछ मूल अड़ा हूँ चाहता तनकी तो बाला तर टोन्स किथा आनंदा आम सर टोन्स बस ये चार जी है जी नूर जी बुधाओ हाँ। सोशल मीडिया से जी पुजट खान जो हले तो अच्छा और चर्जू हुआ ना हर तहां पान जाती तौर खबर है तो बाबा मां फैसला कंदू हां मांजा फैसला सब मुनफरद हुन बेन फैसल न को दसो ब्या वदेरा फैसलो था कन ओ बेन ते चट्टू रखन मां भी बेन ते रखा तो मां तो मुनफरद न थुम तो मां उन जेड़ो थुम ना मां तो चवा मां चट्टी भर दिया जे वदेरन को मुख्तलिफ थे हो जा ए मानू मो खुश हो जन आ खुश न सब मानू पाँ भोतार फैसलो फैसला ना कर मावट था कर इन कर चट्टी ये भर दी लड़ तो लड़ सब खपा तुझे दुआ से हाँ रुगो वगा बचार घर आर भी छे बुधो चोरी कॉपी इमिटेट असल में यो असल फैसलन में कें दौर में मन अड़ो दौर भी हो
चोरा चकारी तमाम घनी थी में उनमें ये हों तो जी हर मानू के घर में चोर घिरंदा जैंकि खबर होंगी तो हि पा चोर आ वो चोर उन्हीं जो माना एतराम कंदा तो ना ही पा चोर आो पटे भाई एडे ना वन तो कहना हरू भरू मूँ जैसे दिल भी नी चोरी कर पर घर घर में घिरण लाइ दिल घुर्जे ना उनके दिल भी ना पर कहना हुआ बह निकी ऐसा को पेड़ो तो वे अदा कहीं गऊ चोरी थी कहो गढ़ चोरी कहो गाबो चोरी थी पूरे दे वा यार बस हाँ तुम काडे रुल उस में हेतर तुम तुम पोता मुझे घर भी अची वो बस चोरी अस कई बस हाँ अक्स बख्शो तुण को बचाई वो हलो डोर सागो ना वो कासाई के खपा छो वेगो उनको भलो वे दींदा ये कंदा बिल्कुल तो उन पांजे नालो कढण दे लाय जने बदनाम होके के नाम न होगा जे नाले कढण शौक हुंदो आ तो वरी ये कुर्बान डणी पड़े तो एड़ा भी असाण वडेरा आहन सही इन के अलावा बे केड़ो टोन ता जो मकबूल वे जो पसंद कयो ता जे ये ता के बबुदा बाकी ता जो एकड़ो मो वीडियो डठी मिमिक्री पाण को घट थी लिया मिमिक्री घट थी लिया हां मिमिक्री जो मायरा सोराब शौक साहब ता के अच्छा सोराब साहब की वीडियो मो ता डठी जमे तहां का कार वठन इंदा आयो ए पोयो गुजरी वेंदो आयो चंदा त लगल आ उना ता जो माने ग्राहक खराब पियो करदा ता से ता कार वठन वारा हुंदा आयो शायद ता उन सा मेहरान ते ता गाल गाल बोल करदा कार वठन वारो मान हुंदा मां ता विकण वारा हुंदा अच्छा हां तो उन में चंदा ये हरभरो में सौदो ले तो बा कार भली आए आ तो पोयो में हरभरो जे लगल आ और ई ते रे उनमें वो माना ये मुझे यही टोन हों टोन मतलब घट को ना पर कद कद वजन पेजी तो वे मैं पीटीवी करेक्टर कि उनमें समझो कि बलोच जो मुझे करेक्टर मिलो लियारी में रहन था बलोच वो उन हवाले से तो मैं यही न कर सकदम मां छो बलोची मैं टोन कड़ी कढ़ी नहीं ही ना तो सलादीन तुझे वेठो जो तुझे कैरेक्टर लिखारायूँ ऐसी तो ये कैरेक्टर क्यों क्यों एक्टर छो तो छे पर घर वही वेही रहो ना तो न तो कर सके तू ही कंदे भलो कंदे उन वो खड़ी हुई फॉलो कियो जैसे वो रिकॉर्डिंग थी तो वो जो डायरेक्टर हो चेब मुझे तो चे मग नहीं टोन एडो जबरदस्त टोन तो कटे कुछ याद को माना जबरदस्त तरीके से पठान जो टोन बागड़ी जो टोन बागड़ी जो मकबूल हो हाँ जो बागड़ी म्यूजिक सेंटर हाँ तो जुमला थी तो किचन तरफ वेदास टोन मन सब बिथरे पाड़ेवारा मुझे छदे टोन कद याद इंदो तो घट तो याद अचे जी पाड़े वाले छदे वफा न कहे कड़ी वफा कजे इन टोन में तुम जैसे शादी से गलो जो सीरो पुड़ी पी ठाए तुम क्या कर शादी अज पकाय सीरो वो मिठो घट क्यों आ हाँ मां मिठो मुखे वधिक वणे उनमें मिठो आए सीरो वो भी में मिठो घट तो मजो कड़ो को मठो माने यो मेहरबानी करे से मुझे मैंने थोड़ी खंड चिपटी सटे से कुछ समझ नहीं आया वो कह रहे कि आप कह रहे कि कम मीठा तो कम मीठा मुझे मजा ही नहीं देगा तो मेरे वाले थोड़ी सी चीनी ज्यादा आप अच्छा ये आपको पहले बताना चाहिए आई एम सॉरी नहीं मुझे नहीं तो पता ये गवर्नमेंट खंड भी तड़े मांगी क्योंकि मैंने शुरू में जिक्र किया था ना तो उस वक्त मैं चीनी चेक भी करवाई थी सही ब्रेक में सही अच्छा अता साहब बिल्कुल वक्त मुख्तसर रहा पर मां चाहिन तो एकड़ी सवाल जवाब ता मुख्तसर मिनट डेढ़ के अंदर दियो छा एकड़ दौर हुंदो अस नंढपण में जो रमजान निठो से वाह जेको उन जो जेके रवायतों हुंदी हुयूं सहरी ते उथारण जो तरीको कुछ इन हवाले के हवाले से असा तो गोठन जा मानु हास न तने न को जगण और अलार्म हुयो न को वरी मोबाइल हुयो मोबाइल हुयो आम मानु इन के सवाब समझंदा सहरी ते जगण जी असा उ नेक मानु निठा से जेके पांजू निंडू फिटाए पाड़न में किथे थाल हथन में खड़ी या किथे के बे अंदाज सा वे आवाज सा उथो मोमिनो रोजा रखो किथे बिगल बाजा वजाए बिगल बाजा पो उहे वरी असा वट उन जी अलग ही सुजाण पई यार मन 12 महीने इंतजार कंदा त ये मानू जे के ये उथारींदा आसर मुझे शहर रानीपुर में वरी एकड़ी उन जमाने की टेक्नोलॉजिकली इन्वेंशन ही महरम खान मेमून अस रानीपुर में सीधो साधो बिजनेसमैन हो पर उन साइकिल में तरह सेलन वा हारन लगंदा हा बटण वजंदा उ साइकिल वा हारन बटे वी उन डबल स्टोरी माड़ी ही
उन लकड़न में उ साइकिल जो हारन बधा उन में सेल बेल पल हों बटन सहरी इफ्तारी टाइम से मोहरम अली मेमण पांजे माड़ी से उ सायरन वजाई जिस तीन गोड़ कम सान को परे तई वो ये चौदह ये इन मूल माइंड कि कम करे जैसे इन साइकिल हारन मथे लकड़न बधी हेठा बटन से वजाए तो मे बुधाए तो हाँ सहरी इफ्तारी टाइम जवानी जो जमानो चाहत जमाना रमजान है इज्तमाही मेल मिलाप जो महीनो है ना अस ये हाँ समोसे पकौड़े वाला दौर न हो हर को कोशिश कह तो सुठियों के डिशेस पचराए मस्जिद में खड़ी वो उतने पंजन पंज सत सतन मानून जहाँ ग्रुप्स वेहंदा जे पांजे घर की मानी खड़ी इंदा सभी उते वे खाइंदा हाँ बस ये वन डिश पार्टी जस्ट लाइक साईं यार चवण को तहां निजाम थोड़ो उबदू थी वा अगे मानु मस्जिद में पुजा इंदा हाँ मस्जिद में खाई था खड़ी कोन तो पर यो चेंज या आई आ जरूर पर हाँ अगे वाली जो खुलूस मोहब्बत या जो जज्बो हो हाँ मुझे गोठ में तो हाँ भी है अठे डी मतलब मू मतलब उन ड्यूटी रखे लाइद हाँ इफ्तार केर कराई पाड़ेवारा या देग देग चाड़ाने ये भी खत्म अस हल्दी किचन तरफ शेफ शाज़िया नूर किथे पहुंचाया है सीरे मानी के सीरे उफराटे के पर तुम कें टोन में चौस तो शाज़िया बुधायो तो किथे पहुंचो है यो चौस जी किथे पोतो हाँ पूजर खंड पर फैसला छद गाल छोठ राज भाग छद इन सीरे के आसरे तो केतरे वेहंदुस इतने में चार फैसला करे वा हाँ चल न थी नल्दी तैयार कर सीरो जी बताए अच्छा यहाँ पे नाजरीन हलवा तैयार हो गया और बहुत झटपट सी रेसिपीज थी आई होप आपको आप ट्राई ज़रूर करेंगे और मुझे फीडबैक जरूर दूंगे यहाँ पे पराठे ही बन गए बड़े ज़बरदस्त से आप देखें शक्ल कितनी अच्छी पराठे की है ऐसे ही आपने बनाने घर में और ये पराठे आप और भी चीज़ों के साथ खा सकते हैं टिक्का हो तरकारी हो जो भी हो और इसके साथ ही हमने यहाँ पे रूह अफज़ा की सिंपल सी झटपट रेसिपी जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बच्चों बड़ों के लिए सबके बहुत अच्छे होते हैं तो ये हम यहाँ तैयार करेंगे सिंपल सा है कोई इसमें थोड़ी सी हम आइस ऐड कर देंगे ठीक है यहाँ पे हमने ये तुक मलंगा रखा है इसके 4 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर दें और जितना आपको अच्छा लगता है उतना कर लें ठीक है ये आपने मिक्स कर दिया इसमें हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे चीनी की ज़रूरत नहीं होती है आपको आपको पता है इसमें ऑलरेडी शुगर होती है तो ये आपके शरबत को ठंडा कर देता है ये हमने इसमें मिक्स कर लेना है अब हमने ऊपर से सिंपल ये क्रश करके रखे हैं बादाम बादाम पिस्ते आप ऐड कर सकते हैं इसमें और सिंपल बादाम भी कर सकते हैं तो ये हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए यह अच्छा लगेगा इसमें इस तरीके से ठीक है आप ये ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपीज़ और आई होप कि आपको पसंद आएंगी मेरी रेसिपीज़ आज की भी हमेशा की तरह क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे भी रिश्तेदारों ने देखा मेरी वजह से ये शो और उन्होंने बोला कि आप अच्छी रेसिपी बना रही हैं तो अपने मुंह में मिट्टी नहीं हो रही मैं आप भी बताएं अपना फीडबैक मुझे मेरी रेसिपीज ट्राई करके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू आर वेलकम तहां ठायो आई सीरो पराठो तो वो अस थोड़ी देर में जरूर खाइंदासूं ॾिसंदासूं तो केतिरो लजीज है नाज़रीन इन खां पहिरीं जो मां इजाज़त वठां असांजे महिमाननि जे लाइ GFS बिल्डर्स जे पारां हिकिड़ो नंढड़ो तोहफ़ो आहे अल्ताफ़ साहब ही तव्हांजी ख़िदमत सां पेश करियूं था GFS बिल्डर जे पारां ऐं वाहिद ही तव्हांजी ख़िदमत में बि नंढड़ो तोहफ़ो GFS बिल्डर जे पारां ऐं अक़ीदत तव्हांजी ख़िदमत में बि ऐं वाहिद तव्हां हेल्प कजो त जीअं अक़ीदत ताईं इहो तोहफ़ो पहुचे ऐं उन सां गॾोगॾु शेफ़ प्राइड मसालो ठाहिण वारनि जो बि हिकिड़ो नंढो हैम्पर आहे जेको अल्ताफ़ साहब तव्हां सां गॾु वेंदो तव्हांजी आमद जी वॾी महिरबानी ऐं वाहिद ही साॻियो तोहफ़ो तव्हांजी ख़िदमत में पेश करियूं था ऐं अक़ीदत साहिब जी ख़िदमत में साॻियो तोहफ़ो पेश करियूं था शेफ़ प्राइड मसालनि जे पारां अल्ताफ़ साहब तव्हांखे थोरायतो आहियां जो तव्हां आयो कचहरी थी टहकड़ा वंडियासीं ॾाढो मज़ो आयो वाहिद वॾे अरसे खां पोइ टाइम न्यूज़ जा थोरा जो नूर साहिब जा थोरा जंहिं तव्हां सां मिलायो मुलाक़ात कराई अक़ीदत आपका शुक्रगुज़ारु की आप तशरीफ़ लाई
और अपनी मिद्दत के रंगों से इस महफिल को आपने महकाया, और आखिर में हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सुनेंगे। नाज़रीन असांजो अजोको मुखा मेलो यानी सत्रहीं मुलाकात पैंजी पुजाणी पहुंचे थी, बशर्त हयात ए दुरुस्तगी हालात। सुभाणे अवल खैर अरड़ी रमज़ान मुबारक थे तकरीबन 5:15 लगे आसपास अवे खिदमत में हाज़िर थींदासूं। मुखे उम्मीद है तो असासा गड मौजूद रहंदो ए गदजी रोज़ो खोलींदासूं पंहिंजो रमज़ान में टाइम न्यूज़ तां बराहे रास्त। आख़िर में ॿुधूं था नाते रसूल मकबूल सलाहु वसलम, जंहिंखां पोइ असां कमर्शल ब्रेक तरफ़ वधंदासूं ऐं उनखां पोइ थींदी आज़ान मग़रिब ऐं इफ़्तार। त पोइ सुभाणे ताईं पंहिंजे मेज़बान यासिर काज़ी खे ऐं तलो जे रंधिणे मथां शेफ शाज़िया नूर खे ॾींदा इजाज़त। दिलूं गॾु जुदा कॾहिं बि न आहे, सदाई गॾु जेॾां पेर तेॾां ख़ैर। अलाह निगहबान।